नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय है तंत्र साधना में अनुभूति। ऐसा विषय आता है कि बहुत दिन से साधनाएं कर रहे हैं, बहुत दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभूति नहीं होती है। या फिर ऐसा लोग कहते हैं कि प्रत्यक्षकरण साधना मैंने किया लेकिन प्रत्यक्षकरण नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं होता है प्रत्यक्षकरण? एक कारण जो मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है वो ये है कि प्रत्यक्षकरण नहीं होने का कारण है कि किस रूप में प्रत्यक्षकरण होगा ये आपको पता नहीं होता है। जैसे अगर आपको उजाले रोशनी का प्रत्यक्षकरण करना है तो रोशनी आपको दिखाई देगा। अब आप जिद बैठ जाओगे कि मुझे रोशनी का प्रत्यक्षकरण सुनकर करना है तो वो संभव नहीं है। वैसे ही ध्वनि का प्रत्यक्षकरण सुन के हो सकता है, ना कि देख कर हो सकता है। अगर आप ध्वनि के लिए साधना करो और बोलो कि मुझे ध्वनि को देखना है तो वो कभी भी साधना आपकी सफल नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको पता है कि उनके साधना में क्या होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्यक्षकरण साधना अलग होती है और एक नॉर्मल साधना अलग होती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की अनुभूति नहीं हो रही है, आप साधना भी सही कर रहे हो, आप गुरुमुख भी हो और आपका सारा जो तरीका है वो भी सही है, तो फिर साधनाएं क्यों नहीं होती? तो इसी के लिए मैंने बोला है कि साधनाओं की तैयारी होती है। एक गुरु अपने चेले को तैयार करता है ताकि वो मंत्र की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सके और मंत्र की अनुभूति कर सके। आपकी जो इंद्रियां हैं वो बंधी हुई हैं, आपका जो मस्तिष्क है वो बंधा हुआ है, आपके जितने भी तंत्र हैं वो बंधे हुए हैं एक लिमिट में। उस लिमिट के बाहर कुछ भी होगा तो वो आप नहीं अनुभव कर पाते हैं। तो एक साधक को अपने इन सुप्त तंत्रों की जागृति करनी होती है और उसके लिए एक साधना होता है। तो क्या है ये साधना? ये तंत्र शक्ति जागरण साधना होती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि शक्ति प्रत्यक्षकरण साधना होती है, दोनों इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा? ये साधना मंगलवार रात में 1:30 बजे शुरू होता है और अगले मंगलवार रात में 1:30 बजे समाप्त होता है। मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, हर रोज़ रात में 1:30 बजे आप बैठ करके साधना करोगे। इसके लिए आपको काला कपड़ा चाहिए, काले वस्त्र में आपको करना है। आपका दिशा उत्तर होगा और भूमि पर ही आसन रखिएगा। मतलब कोई भी वस्त्र का आसन या फिर आप कम्बल का आसन या बक्षाल का आसन, मृगचाल का आसन, ये आप नहीं ले सकते हैं। बहुत अगर आपको इच्छा है घर के बाहर अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप चिता भस्म का एक आसन बना सकते हैं और उस पर बैठ के यह साधना कर सकते हैं। रोज़ आपको 11 माला इस जाप को करना है, मंगलवार को रात में 1:30 बजे शुरू कर कर। मंत्र क्या है? मंत्र साथ ध्यान से सुनिएगा। रुद्राक्ष के माला पे आपको जाप करना है 11 माला। ओम शंकर जटा खोले शक्ति जरे स्वाहा, ओम शंकर जटा खोले शक्ति जरे स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम शंकर जटा खोले शक्ति जरे स्वाहा। आप में से जो भी साधक ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति किसी ने बांध दी है, या फिर आप पहले काम कर पा रहे थे, अब शक्तियाँ आपकी आपका साथ नहीं दे रही हैं, आप अब किसी का काम करना भी चाह रहे हो तो काम नहीं कर पा रहे हो, वैसे साधकों के लिए ये साधना बहुत उत्तम है। ये एक ऐसी साधना है जो मैंने खुद करके देखा हुआ है कि जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रभाव कम हो रहा। होता क्या है, जब आप साधनाएँ करने लगते हैं ना, जो मेरे साथ भी हुआ था, तो थोड़ा सा घमंड आ जाता है। ठीक है, कि अब मैं जिसको जो बोल रहा हूँ हो जाएगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो हो जाएगा, शक्तियाँ प्रत्यक्षीकरण हो रही हैं। और इससे क्या होता है, आपका ज्ञान नेत्र जो है वो बंद हो जाता है। अलग अलग साधकों में अलग अलग परेशानियाँ होती हैं, तो इस तरीके का जो भी बंद लगता है ना वो इस साधना से खुल जाता है। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो कि सीधे मंत्र साधना शुरू कर देते हैं, उससे पहले उन्होंने अपने चक्रों के लिए या फिर नेत्रों, तीनों नेत्रों के लिए, या फिर जो अपना ऑरा सर्कल है, एनर्जी फील्ड है, उसके लिए साधनाएं नहीं की होती हैं, तो उनके डायमेंशंस नहीं खुले होते। वैसे सारे साधकों के जीवन में उन्होंने जो भी शक्ति प्रत्यक्ष किया होगा वो सारी शक्तियाँ इस एक साधना के दौरान, मतलब इस 7 दिन के
अंतराल में वो सारी साधनाएं आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी, वो जिस भी फॉर्म में होंगी वो आप अपने होने का आपको आभास देंगी कि हाँ तुमने मुझे साथ रखा और मैं इस रूप में तुम्हारे साथ हूँ। ये 7 दिन के अंदर होगा। तो कैसे करना है, मंगलवार को शुरू करना है रात में 1:30 बजे, काला वस्त्र आसन नहीं, अगर घर के बाहर कर रहे हैं तो चिता भस्म का आसन रख सकते हैं, इसको रोज 11 माला आपको 7 दिन तक करना है रुद्राक्ष के माला पे, कोई दशांश हवन नहीं कुछ नहीं। इन 7 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सही में कुछ साधा है या ये आपकी भ्रांति थी कि आपने कुछ साध रखा है, या फिर आपको शून्य से फिर से शुरू करना है। जो भी स्थिति हो उसमें ना ज़्यादा उत्साहित होइएगा ना हतप्रभ होइएगा, क्योंकि साधना का क्षेत्र है सालों साल चलता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को साधना का बेसिक सीखना है तो मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा एक वेबसाइट है aghortantrahasya.xyz, उस पर आप लॉगिन करके मेरा अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। भूत प्रेतों के बारे में जानना है तो मेरा किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। इसके अलावा मुझसे डायरेक्ट बात जिनको करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिएगा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अब ये सवाल नहीं आएगा कि मेरी साधनाएं सफल हुई कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।